हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको मिलते हैं 25,000 से 30,000 वाले प्राइस ब्रैकेट में, एंड जून 2023 के महीने में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट ऑप्शंस रहने वाले हैं। हमेशा की तरह पांच स्मार्टफोन्स बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन्स तगड़े स्मार्टफोन्स हैं। डिपेंड करेगा आपके ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि आपके लिए पांचों में से कौन सा परफेक्ट रहता है एंड आप कौन सा पसंद करते हैं। एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं नॉन चाइनीज ऑप्शन की। यहां पर मैंने पिक किया है सैमसंग की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए सैमसंग गैलेक्सी F54 को। अच्छा स्मार्टफोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का आपको रिजोल्यूशन मिलता है, सुपर एमोलेड प्लस पैनल यहां पर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलती है, डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो सैमसंग एक्सिनस 1380 प्रोसेसर आपको मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा, डिसेंट गेमिंग आपको करा देगा, तो परफॉर्मेंस में ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें, कैमरास बहुत अच्छे दिए गए हैं। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलता है, 108+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास पीछे की तरफ है, OIS का सपोर्ट आपको मिलता है, एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो कैमरा मॉड्यूल, कैमरा आउटपुट इस फोन के अच्छे हैं, कैमरा में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो 6000 mAh का बैटरा आपको इस फोन के साथ में मिलता है। 25W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर इनबॉक्स नहीं मिलता है, चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। इस फोन का 8GB+256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 29,999 रुपीज में। नॉन चाइनीज ऑप्शन अगर आपको खरीदना है तो सैमसंग गैलेक्सी F54 की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अप, गेमिंग। अगर आपको तगड़ी गेमिंग करनी है तो पोको F5 5G आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा स्मार्टफोन है और अब तो भाई वारंटी भी बढ़ गई है उसकी। सो फोन अच्छा है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, एल्यूमिनियम का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, 6.67 inches का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस का आपको रिजोल्यूशन मिलता है, 12 बिट का AMOLED पैनल यहां पर आपको मिलता है, प्लस 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर बहुत अच्छी है, डॉल्बी विजन है, HDR10 है, वाइड वाइन एल्बम है, सारे सपोर्ट्स आपको मिलते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, जो कि आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देगा, गेमिंग आपको बहुत अच्छी करा देगा, तो वहां आपको शिकायत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करेंगे तो एवरेज कैमरा सेटअप है, 64+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, OIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल अच्छा है, कैमरा आउटपुट ठीक ठाक निकल के आते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 67W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 67W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि 3.5 mm जैक भी दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलते हैं, एंड इस फोन का 8GB+256GB आपको मिलता है 29,999 रुपीज में। अच्छी गेमिंग अगर आपको करनी है, पोको F5 5G आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अप, गुड लुकिंग स्मार्टफोन। अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन लेना है जो कि दिखने में काफी क्लासी हो और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी दे, तो Realme की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया Realme 11 Pro Plus आप परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, 2 बिल्ड वेरिएंट में आता है, प्लास्टिक एंड लेदर बैग के साथ में, दोनों काफी अच्छे लगते हैं। 6.78 inches का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन दिया गया है, 10 बिट का AMOLED पैनल मिलता है, एंड कर्व डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो डिस्प्ले में शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि प्राइस सेगमेंट को बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन गुड लुकिंग स्मार्टफोन के साथ में आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा। अगर आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी है गुड लुकिंग, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे देगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस सेगमेंट को देखते हुए थोड़ा सा अंडर पावर्ड चिपसेट है, सो परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपकी प्रायोरिटी है गुड लुकिंग, तो फिर वहां पर आप काम चला सकते हैं। कैमरास की अगर बात करेंगे, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है,
200+8+2 megapixels के तीन कैमरा आपको पीछे की तरफ मिलते हैं, OIS का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है एंड फ्रंट में आपको 32 megapixels का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट बढ़िया है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करेंगे 5000mAh की बैटरी यहाँ पर आपको दी गई है। 100 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 100 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5mm जैक यहाँ पर नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं एंड इस फोन का भी 8GB+256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 27,999 रुपीज में। गुड लुकिंग स्मार्टफोन लेना है अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में, Realme 11 Pro Plus आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अप, परफॉर्मेंस लोडेड स्मार्टफोन। अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन लेना है, iQOO 9 5G आप परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट इसका ऊपर रहता है, लेकिन ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको 30,000 के आसपास मिल जाता है। फोन बहुत तगड़ा है, ग्लास बिल्ड पर आता है, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक आपको मिलता है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है। 6.56 inches का आपको डिस्प्ले दिया गया है। फुल एचडी प्लस का आपको रेजोल्यूशन मिलता है। 10 bit का एमोलेड पैनल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी दी गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ चिपसेट यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको देगा। परफॉर्मेंस में कहीं से कहीं तक आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ कैमरास की अगर बात करेंगे तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ आपको मिलता है। 48+13+13 megapixels के तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल बहुत अच्छा है, कैमरा आउटपुट आउटस्टैंडिंग निकल के आते हैं, तो कैमरा मॉड्यूल में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में तो 4350mAh की बैटरी यहां पर दी गई है। 120 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 120 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बैटरी मॉड्यूल तगड़ा है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5mm जैक नहीं दिया गया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल तगड़ा स्मार्टफोन है। आज की तारीख में अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो 8+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 31,990 रुपीज में। कुछ कार्ड ऑफर्स अगर आप लगा लेंगे तो ये स्मार्टफोन आपको 30,000 के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बीस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, iQOO 9 5G की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अल्टीमेट ऑलराउंडर स्मार्टफोन ऑफ द सेगमेंट, और यहां पर मैंने पिक किया है मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो एज 40 को। सुपर स्मार्टफोन है भाई, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है, या फिर आप लेदर बैक वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं। दो वेरिएंट्स में ये फोन आपको मिलता है। दिखने में स्मार्टफोन काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, IP68 की रेटिंग भी यहाँ पर आपको मिलती है, ये काफी अच्छी बात है। 6.55 inches का आपको डिस्प्ले दिया गया है। फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। 10 bit का POLED पैनल मिलता है एंड कर्व डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको मिलता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट, 8020 चिपसेट दिया गया है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा। डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी देता है, गेमिंग आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करेंगे तो दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 50+13 megapixels का डुअल कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलता है, OIS के सपोर्ट के साथ में, ये काफी अच्छी बात है। कैमरा आउटपुट बहुत अच्छे हैं। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो 32 megapixels का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड कैमरा आउटपुट काफी अच्छे निकल के आते हैं, तो कैमरा मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की बात करेंगे, 4400mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है, अच्छे साइज की बैटरी है। 68 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 68 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5mm जैक यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस फोन का भी 8GB+256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 29,999 रुपीज में। तो अगर आपको एक अल्टीमेट ऑलराउंडर स्मार्टफोन खरीदना है, मोटो एज 40 आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। तो भाई साहब, ये थे पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि आपको मिल जाते हैं 25,000 से 30,000 रुपए प्राइस ब्रैकेट में एंड जून 2023 के महीने में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट ऑप्शंस रहने वाले हैं। मैंने मेरी तरफ से आपको पांच स्मार्टफोन बताए। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना कि इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना आप पसंद करेंगे या फिर इसके अलावा किसी और स्मार्टफोन की तरफ देखना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ। बाय बाय।